हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हूँ, आपकी बाल मनोविशेषज्ञ डॉक्टर नेहा मेहता। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या आप भी पेरेंट्स ये फील करते हैं कि आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं फिर भी बिस्तरा गीला कर रहे हैं? क्या इस आदत के चलते आप लोग अपने आप को बहुत ही अशेम्ड फील करते हैं? आप अपने बच्चों को बाहर किसी के घर रहने नहीं भेजते क्योंकि आपको लगता है कि वो रात को बिस्तरा गीला करेगा और कहीं ना कहीं आप हादसे का पात्र बनने वाले हैं? तो कैसे आप बेड वेटिंग की आदत, जिसे हम एन्यूरेसिस कहते हैं, उसकी आदत या उसकी गलत हैबिट से अपने बच्चे को दूर रख सकते हैं और कैसे धीरे 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 आप बेड वेटिंग को कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो समझेंगे कि बेड वेटिंग क्या है और कैसे शुरू होती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चे का बिस्तरा गीला करने वाली आदत को धीरे 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 छुड़वा सकते हैं और खुद भी एक अच्छी पेरेंटिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको टिप्स दूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपके बच्चे से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको मुझसे डिस्कस करने हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपसे बात कर सकूँ और हम इंटरेक्ट कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं कि बिस्तरा गीला करने की आदत है क्या। इसे हम साइकोलॉजिकल टर्म में एन्यूरेसिस कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम रात को होती है तो हम उसको नॉक्चुरल एन्यूरेसिस कहते हैं। अगर बच्चा 0 से 3 साल का है तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है क्योंकि उस समय हम अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर रहे होते हैं, तब हम बच्चे को डायपर पहनाते हैं या रात को कुछ नैपी लगा के सोते हैं, तो वो कॉमन है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम 5 साल तक रहती है तो कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये समस्या 5 साल से ऊपर 10-12 साल तक भी आपके बच्चे के साथ रहती है, हो सकता है ये इतना कंटिन्यूस ना हो कि रोज़ वो बिस्तरा गीला कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 दिन में, हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता हो जिसके लिए वो कोई भी एक्सक्यूज़ देता है या वो ये कहता है कि मम्मी मुझे पता नहीं या मुझसे हुआ नहीं या मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं और मेहनत करनी है ताकि ये आदत धीरे 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 छूटने लगे। तो आपने कैसे काम करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कोशिश करें कि ये जाने की कारण क्या है। यूजुअली जितनी भी प्रॉब्लम बेड वेटिंग से रिलेटेड होती है वो यूजुअली स्ट्रेस या एंजाइटी से होती है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पे कोई ना कोई उसे बुली कर रहा है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपने अंदर तक कारण जानने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें डिप्रेशन या एंजाइटी के कारण ही होती हैं कि बच्चा कोई ना कोई चीज़ सपने में सोच रहा है, किसी चीज़ का डर है उसे सुबह होने वाली एक्टिविटी से, जिससे ब्लैडर कंट्रोल छूट जाता है और बच्चे का सुसु बीच में निकलता है और वो बिस्तरा गीला कर देता है। दूसरी चीज, आपने इसे कैसे हैंडल करना है? देखिए, कोशिश करिए कि अगर आप हैंडल करना चाहती हैं तो लोगों को इसे ना बताएं। अगर आपको लगता है मैं लोगों को बताऊंगी, वो इसे समझाएंगे और मेरा बच्चा आगे से ऐसा नहीं करेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले बच्चे को सपोर्ट करें। जितना आप प्यार और केयर देंगे, धीरे 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 वो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालेगा, आपको बताने की कोशिश करेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसे ऐसा ये सब होता है, और धीरे धीरे वो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करेगा और बेड वेटिंग की आदत को छुड़ा लेगा। इसके अलावा पेरेंट्स खुद से ये भी पूछते हैं कि मैम, अगर हम रेगुलर शेड्यूल रखें, रात को एक बार उठ के उसे वॉशरूम ले जाएं, तो क्या ये आदत कम हो जाएगी? जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एक शेड्यूल फॉलो करना है तो बिल्कुल कीजिए, वेट ना करें। हर 4-4, 5-5 घंटे में ट्राई टू टेक योर किड टू द वॉशरूम और रात को एक मिड टाइम का अलार्म लगा लीजिए 2 या 3 बजे का, जिसमें आप खुद उठें, अपने बच्चे को वॉशरूम तक लेके जाएं, ताकि वो टाइमली वॉइड कर सके, बाथरूम कर सके, ताकि वो बिस्तरा गीला ना करे। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ कि अगर आपका बच्चा 2-3 दिन इस चीज़ को फॉलो कर रहा है और आप खुश हो रहे हैं, तो बच्चे को रिवॉर्ड दें। जितना आप एक अच्छी हैबिट को, चाहे वो कोई भी हैबिट है, बच्चे की किसी भी अच्छी हैबिट को रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड हमेशा पैसे का या आइसक्रीम का या चॉकलेट का नहीं होता है। अगर आप किसी को प्यार कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, तो वो भी एक रिवॉर्ड है। कहीं घूमने ले जा रहे हैं, वो भी एक रिवॉर्ड है। अपने बच्चे को रिवॉर्ड करें ताकि ये एक्टिविटी धीरे 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 अपने आप बेटर हो जाए। सबके सामने अशेम करना, ब्लेम करना, या हो सकता है आपके घर का बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को चिढ़ा रहा हो उस आदत से कि तो बीच में सुसु करता है, इस चीज़ को प्लीज़ कम करें। इसमें हेल्प की ज़रूरत है बच्चे को। ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसमें आप उसको पॉइंट आउट करेंगे या आप उसको शर्मसार करेंगे तो ये आदत नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं आपके अंतर्दंत की दिक्कत है। तो कोशिश करें कि बच्चे को सपोर्ट करें, लव करें। अपनी कहानी सुना सकते हैं कि मैं भी ऐसा करती थी या मैं भी ऐसा करता था बच्चे, फिर मैंने धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया और धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो गई। तो आप अपना रोल मॉडल ले सकते हैं, अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं
कहते हैं रिवॉर्ड करें बच्चे को, प्यार ज्यादा करने की कोशिश करें और इसको हास्य का कारण या एक इमेज ना बनाएं, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा बड़ा हो जाए और फिर उसी इसी बात से उसको छेड़ा जा रहा है। तो इस चीज को यहीं की यहीं खत्म करें, ताकि धीरे धीरे ये हैबिट आपके बच्चे से, आपके घर से धीरे धीरे निकल जाए और एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ और एक अच्छी पेरेंटिंग को आप फॉलो कर सकें। तो इन टिप्स को प्लीज फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मोरओवर ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते या डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें। जो आप नहीं डिस्कस करना चाहते तो आप पर्सनली मुझसे शेयर कर सकते हैं, नीचे मेरी डिटेल्स हैं, मेरे क्लिनिक का नंबर है, आप हर जगह मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी और हम बेड वेटिंग, एन्यूरेसिस और भी जितनी पेरेंटिंग कंप्लेंट्स है उसे धीरे धीरे रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब वेट करें, नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊँ, हम लोग मिले, बात करें और अच्छी पेरेंटिंग की तरफ जा पाए।